intelligence. अस्सलाम वालेकुम. ये एक ना वैसे सबसे मुश्किल काम है इसके ऊपर खड़े होकर बोलना. मैं नॉर्मली चल फिर के बोलता हूँ क्योंकि नॉर्मली वो लोगों को नज़र आता रहता ना जो कोई चल फिर रहा है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है लेकिन चलें. क्या हाल है आप सबका? पहले ना दो खुशियाँ छोटी छोटी सी. एक तो सबसे पहले थैंक यू अली भाई ने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया, और दूसरे मुझे मेरे यहाँ पर कुरान क्लास के क्लास फेलो मिल गए फैसल भाई माशाल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट. अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा वैसे? आजकल चैट जीपीटी बड़ा चल रहा है, राइट? किस किस ने यूज किया? नाइस. आपने क्या बनाया था उसके ऊपर? आपसे पूछ रहा हूं. यस. हाँ हाँ हाँ, आपसे ही आपसे. ऐसे ही बोल दो, बैठे बैठे बोल दो. ऐसे किया था? मिस को पता लगा था? नहीं. और किसी ने? और किस किस ने? किसी और ने भी हाथ खड़ा किया जी. आपने क्या किया था? कूल. देखें, मजे की बात है ना, कुछ चीजें बड़ी आसान हो गई हैं हम लोगों के लिए अब. ऐसा ही है ये, यानी कि दो छोटी छोटी सी चीजें. कितनी देर में बना था वो ऐसे? किसने कहा था मुझे ऐसे लिखा था? कितनी देर में ऐसे लिखा था? 10 मिनट में हो गया था ना. उसके बाद टीचर ने पूछा नहीं कि कहां से लिखा था, या टीचर को पता नहीं लगा? चेक ही नहीं हो. देख रहे हैं ना? देखें, सबसे मजे की बात एक इस पूरी चीज में जो है ना वो ये है कि आने वाली जो टेक्नोलॉजीज है ना वो बहुत सारी हैं, जैसे आपको मेरे यहां पे लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा. अच्छा, आपने AI का नाम सुना हुआ है, इसी तरह IoT का नाम सुना हुआ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स? एनीबॉडी? नहीं. आप में से स्मार्ट वॉच कौन कौन पहनता? सब पहनते हैं माशाल्लाह. कभी ये सोचा है कि ये जो स्मार्ट है ये क्या चीज है? क्या है? जिसमें कुछ अच्छे काम हो सके वो स्मार्ट होता है. देखें स्मार्ट. हाँ बताएं बताएं. जो अच्छा लिखता वो स्मार्ट होता है. ये सारी टीचर्स को कह रहे हैं, एक्चुअली उनको पास कर दीजिएगा, ठीक है? अच्छा देखें, आपने स्मार्ट वॉच का नाम भी सुना है, आपने स्मार्टफोन्स का नाम भी सुना है, आपने स्मार्ट होम का नाम भी सुना होगा, स्मार्ट टीवी का नाम भी सुना होगा. एंड्रॉयड देखते हो ना, नेटफ्लिक्स एंड एवरीथिंग? ऐसे बोलो ना. यस. काम की बात हो तो यस निकलता है ना. अच्छा, अब आप उसको यानी वॉइस के थ्रू भी बता देते हैं कि देखे जी मैं इसको कोई कमांड दे रहा हूं तो वो चलना शुरू हो जाता, राइट? तो स्मार्ट इज बेसिकली सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी. ये एक एब्रीविएशन है किसी चीज का, ये भी बड़े हो जाओगे तो समझ आ जाएगी. लेकिन AI की एक टेक्नोलॉजी है, जैसे चैट GPT, GPT एक टेक्नोलॉजी है उसका. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, आप लोगों को तक ही रहूंगा, इसलिए परेशान नहीं होना कि ये क्या बता दिया. तो आपकी अगर मैं इस पर थोड़ी सी एक चीज डालूं, इसी तरह एक टेक्नोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन. नाम सुना वे? अबे वो सामने लिखा है यार. अच्छा, क्रिप्टोकरेंसी का नाम सुना? हाँ, देखा ना, जिस काम की बात करो तो वो पता नहीं, पैसों की बात करो तो फौरन सारे ऊपर आ जाते हैं यार. बिटकॉइन का नाम सुना है? ऊंची बोलो. कूल. अच्छा, अब देखें, बिटकॉइन इज जस्ट एन एप्लीकेशन, जस्ट लाइक ए फेसबुक. और ब्लॉकचेन है इंटरनेट की, यानी इज इक्वल टू इंटरनेट, एक टेक्नोलॉजी है. यानी आपकी जितनी भी चीजें ब्लॉकचेन के ऊपर बनेंगी वो जरूरी नहीं है कि वो बिटकॉइन या क्रिप्टोकरेंसी से रिलेटेड हो, वो उसके अलावा भी हो सकती हैं. सिर्फ आपने उसके अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर क्या चीज होती है, जितना डेटा आप इकट्ठा कर रहे होते हैं ना वो क्या करता है, वो उधर सेव रहता है जिंदगी भर के लिए. जैसे अभी सर्टिफिकेट मिले हुफाज़े कराम को, माशाल्लाह, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल एंड देयर पेरेंट्स एज वेल. अच्छा, उनको वो जो चीज़ें मिली हैं, सपोज कर ले मैं उनको रख देता हूँ ब्लॉकचेन के ऊपर, तो कोई उसको चेंज नहीं कर सकता. अभी क्या हो सकता है, मेरे जैसा जो तेज़ आदमी है ना, शरारती आदमी, दाढ़ी भी रखी हुई है, सफ़ेद भी है, लोग बिलीव भी कर लेंगे बड़ी जल्दी, है ना. अब क्या करूँ मैं जाके एक बच्चे का सर्टिफिकेट पकड़ता हूँ, उसके ऊपर नाम की टेप अपनी लगाता हूँ, नीचे डेट शीट लगाता हूँ, आई एम ऑल्सो हाफिज, राइट? कोई मुझे कुछ कह सकता है? नहीं ना.
लेकिन अगर ये डिजिटली अवेलेबल हो और पूरी की पूरी चीज ब्लॉकचेन के ऊपर रखी हो तो कोई इसको चेंज नहीं कर पाएगा कभी भी। चलें, अब मैंने तीन टेक्नोलॉजीज के नाम लिए हैं आपके सामने, कौन कौन सी, AI, सेकंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थर्ड ब्लॉकचेन। ओके, अब अगर मैं इन चीजों को जोड़ूं एक दफा, यानी अपने लिए एक दफा सोच के देखें कि आपका जो भी डेटा है वो किसी वॉच के थ्रू जो आपने पहनी हुई है वो किसी जगह पे सेव होना शुरू हो जाए, तो मैं कह सकता हूं ना कि जो IoT है या आपकी जो स्मार्ट वॉचेज हैं वो डेटा गैदरिंग टूल हैं। कह सकता हूं कि वो डेटा गैदर कर रही है ना आपसे, जैसे आप में से, आप तो माशाल्लाह छोटे हैं, जो बड़े हैं यहाँ पे उन्होंने पेंडेमिक के दिनों में सब कुछ फोन के ऊपर किया, अपना BP से लेकर तो हार्ट प्रेशर हर चीज यूज चेक किया ना उसके ऊपर, ब्रीथिंग तक चेक किया हम लोगों ने उसके ऊपर, फोन के ऊपर, तो वो स्मार्ट फोन हो गया। अच्छा, अब वो सारे का सारा किसी जगह पे सेव हो रहा है, वो कौन सी जगह है, वो है ब्लॉकचेन, राइट? यानी वहां पे जो डेटा रखा जाएगा वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अब AI का क्या रोल है इसके अंदर, तो मैं एक्चुअली ब्लॉकचेन को मैं कह सकता हूं थोड़ी देर के लिए कि वो डेटा स्टोरिंग टूल है जहां पे आप डेटा स्टोर करेंगे सारे का सारा। समझ आती है बात? पेरेंट्स भी बोल रहे हैं, बाकी भी खैर है, कोई बात नहीं, आज बच्चे बन जाए थोड़ी देर के लिए, पुराने वापस चले जाए थोड़ी देर के लिए, बोलें यस कूल। चले एक मुकाबला करवाते हैं छोटा सा, बच्चे ज्यादा ऊंची बोलते हैं कि पेरेंट्स, करें बोले, अब बोले एक दफा, राइट, दैट्स कूल, दैट्स कूल। अच्छा, अब मैं जो AI है उसको मैं कह सकता हूं प्रोडक्टिविटी टूल है वो, कैसे? वो बेटी ने अभी बताया कि उसने एक ऐसे जो के लिखने में, उसको सोचने में, हर चीज में थोड़ा टाइम लगना था, वो 10 मिनट में उसने लिया, बोला था बात उसका चेक नहीं हुआ, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन उसने 10 मिनट में बना लिया। अब थोड़ी देर के लिए इसको सोच के देखें ChatGPT को कि जी आप क्या करते हैं, आप ना कोई भी अपनी असाइनमेंट जो कि आपको ऑफिस में मिली हुई है या बच्चों को वैसे मिली है वो उसको 10 मिनट में कर लेते हैं, बाद में उसको पढ़ते हैं। उससे पहले आप क्या करते थे, गूगल करते थे चीजों को जाके, ऐसा ही था सर? देखे ये मुकाबला अब शुरू हो चुका होगा, राइट? तो इसलिए जवाब देना, अब वो एडल्ट हो गए ना, हम एक्चुअली क्या सोचते हैं कि शायद हम कितने ऑकवर्ड लगेंगे। जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, अपना बच्चा कभी ना, अपने अंदर का बच्चा कभी ना मारिएगा, जिंदगी बड़ी मजे की है, ठीक है? वो जैसे हमारे यहाँ ना नॉर्मली एक बड़ा वो है कि लोग दाढ़ी रख के ना ऐसे करके देखते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे आज तक नहीं समझ आई इस बात की, लेकिन चलें खैर। अच्छा, मुझे देख के नहीं लग रहा होगा कि यार क्या कैसा बंदा। अच्छा खैर, अब आप सोच के देखें कि आपने वो असाइनमेंट 10 मिनट में कर ली, अब आपके पास कितना टाइम बच गया बाकी चीजें करने के लिए, राइट? कोई भी, यानी रिसर्च आपने पेपर बना लिया, आपने और कोई चीज कर ली इस तरह की, तो अब चीज जिंदगी आसान नहीं होगी आपकी बहुत ज्यादा। चले थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं आपको, अभी कैरियर में मैं आता हूं कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को और खुद इस चीज के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम पेंडेमिक के दिनों में अगर चले जाएं, एक्चुअली मैं प्रेसिडेंट साहब के इनिशिएटिव में पढ़ा रहा था, तो मुझे एवरी वीकेंड इस्लामाबाद जाना पड़ता था, तो वहां पे 3 घंटे की क्लास होती थी ब्लॉकचेन की। अब क्या हुआ, पेंडेमिक आ गया, हमने सब चीजें ऑनलाइन शिफ्ट कर ली, तो मेरे पास कुछ चीजें बचनी शुरू हो गई। अगर आप सोचें, ये आप अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखिएगा उस दौर में कि आपने क्या किया, वो हमें तो लगता है ना कि जी स्कूल जाएंगे या जी ऑफिस में जाके बैठेंगे तो कुछ होगा, अभी मैं जरा उससे आपको बाहर निकाल रहा हूं थोड़ी देर के लिए। तो मैं 4 घंटे जाने में लगाता था, 4 घंटे वापस आने में लगाता था, कितने आवर्स हो गए, 8 आवर्स। अच्छा, वहां पे 1 घंटा या 2 घंटे मैंने जो ट्रेवल करना है उसको ऐड करें, कितना टाइम हुआ, 10 आवर्स। अच्छा, अब उसके बाद वहां पे 3 घंटे मैंने ट्रेनिंग देनी है सिर्फ। अब जब मैं सिर्फ 3 घंटे की ट्रेनिंग दे रहा हूं जूम के ऊपर, तो मेरे पास कितने आवर्स बचना शुरू हो गए, 10 आवर्स। मैं उनके साथ कुछ भी कर सकता हूं और, तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं गई। अब थोड़ी देर के लिए फ्यूचर में जाते हैं, अभी तो मैं आपको पीछे लेके गया था ना, थोड़ी देर के लिए फ्यूचर में जाते हैं। वो फ्यूचर क्या है, कभी सोचा है कि आपकी गाड़ी खुद ब खुद निकले और जाके जो भी उसकी सर्विस वगैरह करवानी है, अपने आप को धुलवाना खुद करके वापस आ जाए, ड्राइवर यस यस वाला कौन है? उन्होंने सोचा नहीं है, यस कहना था वैसे, इसमें सही कहा था उन्होंने। अच्छा मुकाबला ज्यादा नहीं करो, ठीक है? अच्छा, अब इसी तरह आप सोचें कि आपका जो डिस्पेंसर है जो घर पे लगा हुआ है,
वो खुद से पानी ऑर्डर कर दे. पॉसिबल? नो. क्यों नो? यस. अच्छा, अभी फिलहाल के लिए नो, बाद में कुछ दिनों में यस. अब उसके बाद एक चीज सोच के देखें कि जी अभी क्या होता है, आपको ना ग्रोसरी करने जाना पड़ता है. अगर आपका स्मार्ट फ्रिज है, वो तो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है ना कि आपको अंडों वाली जगह पे बाकी तमाम चीज़ें मिलेंगी अंडों के अलावा. ये घर घर की कहानी है. वहाँ पे आपको अदरक भी मिल जाएगा, वहाँ पे आपको लहसुन भी मिल जाएगा, वहाँ पे आपको अंडों के अलावा हर चीज़ मिलेगी. और अंडे कहाँ पड़े होंगे, वो किसी लिफाफे के अंदर, एक किसी ना वो क्या कहते हैं उसको, बॉल के अंदर पड़े होंगे, राइट? अच्छा, फिर इसी तरह जो हमारी वो फ्रूट ट्रेज होती हैं उनके अंदर समझ गए हो ना, ठीक है, एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में. अच्छा, अब अगर सोचें अंडों की जगह हम अंडे ही रख रहे हो और उसके ऊपर एक थ्रेशोल्ड लगा दें कि इधर 12 अंडों से सिर्फ 2 अंडे रह जाते हैं ना, तो ये ग्रोसरी स्टोर को एक मैसेज चला जाए कि जी इस घर में अंडे रिक्वायर्ड हैं. क्या ख्याल है? दिस इज AI बाय द वे. वो नहीं है, मुझे नहीं पता बच्चों को टर्मिनेटर का पता. नो क्यों नहीं, इसलिए मैंने कहा था बच्चों को नहीं पता होगा. टर्मिनेटर 2 मूवी देखी होगी सबने, तो जिंदगी टर्मिनेटर 2 जैसी कभी नहीं होगी AI के आने से. ये याद रखिएगा हमेशा कि रोबोट्स आ जाएंगे, रोबोट्स टेक ओवर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. अब आते हैं कैरियर पे कि इसमें क्या चीज़ है. जैसे मैं एक रिसर्चर हूँ, मैंने अभी आपको बातें बताई हैं, रिसर्च बेस है. आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को और बच्चे खुद को सिर्फ एक मिसाल ले लेना चैट GPT की.